हेलो फ्रेंड्स, पिछले प्रॉब्लम में जो एरर आया था ना, वो एरर सिंपली हमारा यहाँ पे आया था। हम डिबग करने के बाद हमको ये चीज़ समझ में आया, हम यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट और निगेटिव एलिमेंट का इनिशियल वैल्यू ले लिए थे -1, जबकि -1 ना लेके हमको यहाँ पे क्या लेना था, 0। क्यों? एलिमेंट का काउंटिंग तो 1 2 से ना स्टार्ट होता है। -1 0 को भी काउंट किया तो जब भी होगा एक एलिमेंट उससे कम ही होगा ना, इस वजह से हमारे कोड में वो एरर आ गया। ठीक है, अभी अगर इस चीज को हम टेस्ट करने के लिए से 10 इंटीजर पास करते हैं हमारे एरे में, 12 -90 -89 76 ठीक 56 45 32 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 -12 -21। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल अभी हमारे पास 10 एलिमेंट है। ठीक है, अब इस चीज को हम चला के देखते हैं तो क्या होना चाहिए, जितने पॉजिटिव हैं वो एक साइड हो जाना चाहिए, जितने निगेटिव हैं वो राइट साइड हो जाना चाहिए। एक छोटा सा प्रॉब्लम, इतना अच्छा कोड को इतना सही से लिखे, उसके बाद हमको लगा कि कहीं पे हमने एरर कर दिया, जबकि यहाँ पे -1 इनिशियल वैल्यू इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चेक, अब रन करके देखते हैं। तो जितने पॉजिटिव एलिमेंट हैं वो एक साइड आ गए हैं, जितने निगेटिव एलिमेंट हैं वो दूसरे साइड आ गए हैं। और हमको इसमें करना क्या है, इस फंक्शन से हमको एक चीज और ड्राइव करना है। जैसे मान लीजिए हमको ये जानना है कि किस इंडेक्स के बाद निगेटिव एलिमेंट है और किस इंडेक्स से पहले पॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, ताकि हमारा वही से हमको अगर सिर्फ कोई किसी टास्क किसी ऑपरेशन में सिर्फ निगेटिव एलिमेंट पे ही काम करना है तो उसमें हमको क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, उस चीज को उस टाइम को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन जो प्रिंट रिटर्न करेगा ना, प्रिंटफ उस इंडेक्स को हम प्रिंट करा लेते हैं या फिर हम एक वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं फर्दर पर्पस, बट लेट्स लेट इट। ठीक है, तो वो कहाँ से काम होगा, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसका अभी इसमें कुछ नहीं असाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी क्या हो गया, यहाँ पे कॉपी हो गया जितने, तो हम सिंपली इंडेक्स असाइन क्या कर देंगे, आई, दैट्स इट। और फंक्शन के प्रिंट कर देने के बाद हम रिटर्न करा देंगे क्या, इंडेक्स वेरिएबल का वैल्यू। ठीक है, और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड ना होकर इंट होगा, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो आइए इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर अब इसको रन करते हैं तो 6, ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6, हाँ छठा इंडेक्स है हमारा निगेटिव एलिमेंट है, इससे ये डिनोट हो गया। अगर इस चीज को हम न्यू लाइन में प्रिंट कराना चाहेंगे तो हम सिंपली प्रिंट करा सकते हैं। इस तरह हम देखें कि अगर हमको एक एरे गिवन है उसमें निगेटिव और पॉजिटिव एलिमेंट है और हमको उसको सेग्रीगेट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो पिछला वीडियो गलत नहीं था, एक छोटा सा मिस्टेक था जिसको हम इसमें क्लैरिफाई कर दिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।